आज के स्मैकडाउन में फाइनली द यूसोस का रियूनियन हो चुका है, यानी कि जे यूसो और जिमी यूसो भी एक साथ हैं। और गाइस ब्लडलाइन का अब सारा गेम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। वैसे आज के स्मैकडाउन में बहुत सारा धमाका देखने को मिला, तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ चलो मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ। सबसे पहले आज का मेन इवेंट के बारे में बोलूँ तो आज का मेन इवेंट मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस जीवाई के बीच, और ये मैच एक टैग टीम मैच था। अगर मैं आपको डायरेक्ट लास्ट का एंडिंग बोलूँ तो लास्ट में नंबर वन कंटेंडर मैच जीत जाते ये दोनों, यानी कि मोटर सिटी मशीन गन विनर बन जाते हैं। देन उसके बाद ही हमें ब्लडलाइन का पूरा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जब मोटर सिटी मशीन गन और ब्लडलाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है उस टाइम हमें निकोलस भी दिखते हैं वहाँ पे। और पता है ब्लडलाइन के सारे मेंबर्स तो खड़े थे एज इट इज, बट वहाँ पे सारे फैंस चैंट कर रहे थे ओटीसी ओटीसी। सोलो शिको बंदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते है कि गाइस आप लोग चुप रहो थोड़ा मत बोलो ये सब। और फिर सोलो शिको मोटर सिटी मशीन गन को भी बोलते है कि आप लोग भी मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि मैं ही आपका ट्रैवल शिप हूँ। इतना बोल ही रहे होते तभी क्रिश बोलते हैं जाके सोलो शिका को कि मैं एक टैग टीम मैच में फाइट करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और सोलो शिका बंदर कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते है चलो मैं आपको ये मैच देता हूँ और मैं भी फाइट करूंगा अभी तुरंत ही। निकोलस भी वहीं पे प्रेजेंट थे तो सभी कोई पूछता है कि क्या निकोलस ये मैच हो सकता है अभी तुरंत ही। और फाइनली गाइस आप बोल सकते हो ब्लडलाइन वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ये लोग टैग टीम मैच में फाइट कर ही रहे होते वही बाहर सोलो शिका बंदर और जैको फाटू एक दूसरे का फेस देख रहे थे। इनका मैच तो हो ही रहा होता है तभी हमें देखने को मिलता है कि बैक स्टेज यानी कि पीछे से फैंस के बीच से एक हुडी पहन के एक सुपरस्टार आता है। सभी कोई सोच रहा था कि ये सुपरस्टार कौन है, जब हुडी निकालते हैं तो देखने को मिलता है कि ये जिमी यूसो है। और आपको पता है जिमी यूसो अकेले ही आए थे तो सारे के सारे ब्लडलाइन मिलके आते हैं उन पे अटैक करने लगते हैं। और जैसे जिमी यूसो पे अटैक हो रहा था वैसे ही हमारे पांडे यानी कि ओटीसी का म्यूजिक हिट होता है और ओटीसी आ जाते हैं वहाँ पे। ओटीसी यानी कि रोमनिक्स आते ही सबसे पहले जैको फाटू और सोलो शिको बंदर के ऊपर डेंजरस वाला अटैक करते हैं और ये लोग फाइट कर रहे होते हैं, करते करते बैक स्टेज चले जाते हैं और कट कर देती है WWE ये वाला सेगमेंट। तो वही सब कुछ चले जाते हैं तो इन लोगों के बीच टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है जो हो रहा था ब्लडलाइन और मोटर सिटी मशीन गन के बीच। और फिर बीच में एक और मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे बीच में फैंस के बीच से ही जय यूसो आते हुए दिखते हैं और जय यूसो आते डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं सारे ब्लडलाइन मेंबर्स को। जय यूसो आते रिंग में जाते हैं और रिंग में जाते वो टामा टोंगा पे स्टील चेयर से अटैक करते हैं, देन उसके बाद स्पीयर भी लगा देते हैं। और गाइस आप लोग बोल सकते हो दो दो सुपरस्टार के इंटरफेरेंस के वजह से फाइनली मोटर सिटी मशीन गन जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियन। और ये देखने के बाद सभी कोई शॉक हो गए थे कि अभी ब्लडलाइन के कोई भी चैंपियनशिप नहीं है। और गाइस अब ब्लडलाइन का उल्टा गेम स्टार्ट हो चुका है। मैच जीतने के बाद मोटर सिटी मशीन गन वहाँ से चले जाते हैं, देन उसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलता है कि जिमी यूसो खुद ही जे यूसो के पास जाते हैं और उन्हें जाके एक टाइट वाला हग कर लेते हैं। और आप लोग फाइनली बोल सकते हो जिस पल का फाइनली बेसब्री से इंतजार था हमें मूवमेंट देखने को मिल गया, यानी कि जे यूसो और जिमी यूसो का रियूनियन हो चुका है। रोमन रिंग्स भी दिखे लास्ट में, इन लोगों के बीच रोमन रिंग्स इंटरफेयर नहीं करते हैं बट वो साइड से देख रहे थे इन दोनों का रियूनियन। और गाइस एक बात समझो ना, इन दोनों का रियूनियन हो गया है तो रोमन रिंग्स का भी बहुत जल्दी होने वाला है। वैसे आप लोगों को कितना मजा आया कि जिमी यूसो जे यूसो का फाइनली रियूनियन हो चुका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।